नमस्कार, आप सभी का स्वागत है मगर टीवी में। मैं हूं आपके साथ अंकिता। इस वक्त की अहम खबरों के साथ। बहुत सारा कार्य हुआ है, कुछ कार्य बचा है, अब आगे किस कार्य पर चुनाव लड़ेंगे और क्या मुद्दा रहेगा? मेरा मुद्दा वही है कि अगर इस बार भी हम अगर जीत जाते हैं तो हम यहाँ जो भी छूटा हुआ नाली हो, गली हो, या और जनता का जो भी शिकायत हो, और जो हम हमारे पास जो भी वहाँ से फंड आएगा उस काम, हम तो ज़्यादा करके यही सोचेंगे ना कि हमारा गांव का प्रगति हो, विकास हो। अरे गांव में क्या चाहिए? नली, गली, लाइट हैं, कुछ लोगों के राशन कार्ड नहीं है, ये सब चीज़ बन जाएगा। इसके लिए यही मुद्दा पर हम खड़े। पहले क्या क्या कार्य किए? पहले तो हमने रोड भी बनाया, अच्छा खासा रोड बना दिया, बहुत सारा रोड बनाया है, और नाली भी बनाया, प्लस सब जगह घर घर में रोड पर लाइट का व्यवस्था किया, जो ये कभी नहीं था यहाँ वो काम हमने। ये तो देखने का चीज़ है, लोग जनता देख रही ना कि हाँ इन्होंने काम किया है कि नहीं किया। अगर हमने काम नहीं किया है तो हमको जनता वोट न दे, और हम जनता से कुछ कहना नहीं चाहते, यही कहना चाहते हैं कि अगर हमने काम किया है तो हमको वोट दीजिए। क्या लगता है, अभी घर घर जनसंपर्क कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, तो कैसा लग रहा है क्या? हमको तो अच्छा लग रहा है, जनता तो देख रहे हैं कि हमारे काम पर सब खुश हैं। अब है जहाँ छूटा हुआ है वहाँ तो खैर आदमी कुछ नाराज हैं, तो उससे उनको भी हम तो यही सोचेंगे ना कि उनका काम भी पूरा हो जाए। हमको बहुत सारे को आवास योजना वगैरह, हाँ आवास हमने दिया है, यहाँ आवास 350 घरों का आवास दिया, जो झोपड़ी था उन लोग को आज ईटा का मकान हो गया। और कुछ लोगों को अब तक जो नहीं मिल पाया उनको क्या कहना चाहेंगे? उसमें तो मेरी गलती नहीं, अब तो सरकार से हम लोग लड़ेंगे ना कि हम लोग और जो फंड रुका हुआ है वो फंड को पूर्ति करने का कृपा करें। अब सरकार से अनुरोध तो हम यही करेंगे, हम तो सरकार से झगड़ा तक न करें, झगड़ा तो मारपीट नहीं करेंगे, हम तो सरकार से अनुरोध ही करेंगे हमारे गरीब लोगों के जो बचा हुआ मतलब रह गया उसको पूर्ति कर दिया जाए। जनता से हमको रिक्वेस्ट यही है कि अगर आपके नज़र में जो विकास करने लायक जितने भी कैंडिडेट हैं, तो विकास करने लायक अगर आदमी आपको नज़र देते हैं तो उन्हीं को आप वोट दीजिए। ये नहीं हम कह रहे हैं कि हमको वोट दीजिए, अगर कोई है ऐसा विकास करने वाले व्यक्ति तो फिर उनको सपोर्ट कीजिए। हम आपसे यही कहना चाहते हैं कि हमको कोई जबरन नहीं है, अगर आप हमको फिर एक बार और लाना चाहते हैं, बस हमको एक बार मौका और चाहिए बस, उसके बाद अगर काम नहीं करते हमको यहाँ से हटा दिया जाएगा, नहीं हम इलेक्शन लड़बे नहीं करेंगे। बस यही हमको जनता से है कहना कि जो छोटा मोटा काम है हमको इस बार पूरा करने का एक मौका और चाहिए, बस आप लोग से यही हमारा अनुरोध है, और कुछ नहीं चाहिए। अब आप लोग की मर्जी, आप लोग अगर हमको एक बार लाना चाहते हैं तो सब मिल करके पूरे हमारे वार्ड नंबर 28 के सभी जनता से यही अनुरोध है कि एक बार हमको मौका और दिया जाए। सर परिचय अपना। मेरा नाम मिंटू पासवान है, पूर्व पार्षद पति जी, बताइए। हमारे वार्ड नंबर 28 से एक चीज़ और कहना हम भूल गए थे कि हमारे समय में 2 साल 2.5 साल तो हम कोरोना में हम लोग का काम कुछ हुआ नहीं, तो कोरोना में हम जो काम हुआ नहीं उससे भी हम थोड़ा मजबूर हो गए। अब इसके लिए आप लोग जो कही, हमको 2 साल मौका मिला, बहुत से लोगों तो यहाँ 40 साल से मुखिया रहा, 5-5 साल तक कोई सब रहा, बोलिए कोई भी अगर एक आध को कहीं पर रोड बना दी है तो आप ही लोग बोलिए कि हाँ काम किया, लेकिन हम कोरोना से थोड़ा 2 साल और 6 महीना उधर विधानसभा का चुनाव में 2.5 साल मेरा व्यस्त चला गया काम, तो इसलिए हम पूरा नहीं कर सकें। जितना काम हम लाए थे हैं उतना काम हम पूरा नहीं कर सकें, यही कारण मेरा। आगे क्या उम्मीद करते हैं जनता से? आगे तो जनता से मेरा यही अनुरोध है कि बस जो मेरे साथी बीती हुई घटना है हम आप लोग के सामने बता दिया, अब उस पर आप लोग जो करना चाहते हैं, चाहे दंड दीजिए या जो भी देना है आप लोग अपने, अगर लाना चाहते हैं तो एक बार मौका दीजिए, हम आपसे यही ना अनुरोध करेंगे, और क्या कर सकते हैं। थोड़ी है कि हम आपसे गुंडाई करके वोट लेना है या पैसा दे के वोट लेना है, हमारे पास पैसा नहीं, हम गरीब आदमी हैं, सब देख रहे हैं जितना काउंसलर हुआ सब नीचे मकान बना लिया लाखों करोड़ों रुपया खरीद के, लेकिन हम देखिए अभी तक पहाड़ पर बसे हुए हैं। देखने की चीज़ है, अगर हमारा अकाउंट में भी अगर पैसा निकल जाता है तो हम तो कहते हैं कि टैक्स वाले वो भी टैक्स करके देख लें कि हाँ मिंटू पासवान के पास अगर पैसा, हमको तो लगता है कि अगर वो लोग देखेंगे ये पैसा चेक करने वाले तो वो भी ना हो सके कि रोवे लगे।